नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं किड़गांव। तो यहाँ पर एक घर में एक सांप है, हमारे एक रेस्क्यूर आगे हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं हम कौन सा सांप है। घर दिन आपको रात में बाकी थमर की तरफ ये जो मैं खाली को डगले आंखों पे तो एक क्या बोला भाई तो एक बनते है खाली भी सब ना ये पर नहीं थक गए ना पीप धरू का अरे तेरे उन निकाई तो हालत बने सिद्धांत लपाट तो ना आके जो मैंने तो घर गई कर दो कारण ते ते कॉपरेट तो ही हो रहा है असं थोडस रोल केलं तर जमो ना तिकडून घ्यायला ना तिकडे बघा आधी नको बॅटरी नाव पलटी करा इथं काय ना चांगला मोठा माणूस आहे मोठा पुढे लय अग्रेसिव्ह आहे तो हातावर काम आहे तिकडून खालून लक्ष द्या तिकडे तिकडे एक स्टिक आहे सरकला दोस्तों आप देख सकते हैं एक जानलेवा सांप, इंडियन कॉमन क्रेट। ये साइलेंस किलर इसको कहा जाता है क्योंकि ये लेट नाइट में रात में निकलता है और बिस्तर में आकर के ये काट लेता है। किस तरह हम लोग जब सोते हैं तो ये इंसान की गर्मी लेने के लिए अपने बिस्तर में आकर के बैठ जाता है कहीं भी, और गलती से हाथ पाँव या उस पर दबाव पड़ जाता है तो ये तुरंत काट लेता है। भारत का सबसे जहरीला सांप दोस्तों, ये इतना जहरीला है कि कोबरा सांप की हम अगर 7 बूंद लेते हैं जहर के तो इसका एक बूंद ही काफी है उसके बराबर के बराबरी में। तो सोचो फिर कितना जहरीला होगा ये कोबरा सांप। कोबरा सांप के एक बूंद जहर से लगभग 20 लोग मारे जा सकते हैं। तो सोचो दोस्तों इसके एक बूंद जहर से कितने लोग मारे जा सकते हैं। लगभग एक बूंद जहर से 100 लोग भी आराम से मर सकते हैं, इतना ये जहरीला है। इसलिए इस सांप को भारत देश का सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा जहरीला सांप कहा जाता है। दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत ही साइलेंस इसकी मूवमेंट है। जैसे ही मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूँगा तुरंत ये फुर्तीला हो जाएगा। ये रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो बहुत ही आराम से इसको पकड़ना होगा। ये देख सकते आप एक्टिव है। चलो हम क्या करेंगे अभी डायरेक्टली इसको हाथ बिना हाथ लगाए बर्नी में डाल देंगे। बर्नी भाई प्लास्टिक की बोतल में इसको डाल देंगे बिना हाथ लगाए, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ये। दोस्तों इसको बोतल में डालने से पहले इसका नाम बताता हूँ और इसकी पहचान बता रहा हूँ। इसका नाम है इंडियन कॉमन क्रेट, इंग्लिश में इंडियन कॉमन क्रेट, हिंदी में करेत, मराठी में मन्यार। अलग अलग राज्य में इन सांपों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान है, आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक है, काला है ऊपर से, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सफ़ेद पट्टे दिखाई देते हैं। गर्दन से लेकर थोड़ा छोड़ देंगे 2-4 इंच, उसके बाद जो सफ़ेद पट्टे दिखाई देना शुरू होते हैं पूंछ की नोक तक वो दिखाई देते हैं। एक देखिए अभी इस सांप को हम इस तरह से बैग में डालने की कोशिश करेंगे।
कोई बात नहीं। दोस्तों आपने देखा अभी एक इंडियन कॉमन क्रैथ, भारत देश का सबसे जहरीला सांप, इसको रेस्क्यू किया था। अभी सांप को यहाँ पर पर्यावरण में रिलीज कर रहा हूँ। बाल बाल बचा मेरा हाथ, ये काट लेता हाथ को। तो देखिए अभी इस सांप को हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। देखिए रिलीज कर दिया। तो चलिए ये सांप यहाँ पर आजाद है। इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए, रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।